जमशेदपुर के मानकोट झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष फतेह चंद टुडू ने कहा कि मणिपुर की घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। मणिपुर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं और मणिपुर सरकार के खिलाफ लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ऐतिहासिक बाबा तिलका मांझी चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगढ़ नगर समिति के नेतृत्व में आज देश का हालत जो आप देख रहे हैं, मणिपुर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रहा है, सैकड़ों हजारों लोगों का वहाँ हत्या हो चुका है अभी तक में। तो इस सभी घटनाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है और इस जैसे घटना का निंदा करती है कि आदिवासियों को इस तरह का लगातार घटनाएं क्यों घट रही। नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बार बार अपील करते हैं, हम लोग आदिवासी समाज का सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों को मान सम्मान नहीं बचेगा। जिस तरह से मणिपुर में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहा है, इन अत्याचार पर प्रधानमंत्री का किसी भी तरह का बयान नहीं आना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और समझने वाली बात है कि क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का जो ये लोग हितैषी बनने का प्रयास करते हैं लगातार, इसे ये लोग को निकलना चाहिए। देश की जनता समझ चुकी है कि आदिवासियों का किस तरह से ये लोग मन समन बचा रहे हैं या महिलाओं के ऊपर किस तरह से ये लोग नारा बड़े बड़े बात करते हैं कि महिलाओं को बचाओ, महिला को अधिकार दो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है सभी घटनाओं का और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सभी के कृत्य पर बड़ी आंदोलन करने का भी हम लोग मूड में है, क्योंकि जब तक महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के मान सम्मान का हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम लोग अपील करते हैं प्रधानमंत्री से और बार बार इस तरह की घटनाएं ना घटे, नहीं तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। आज का कार्यक्रम बाबा तिलका मांझी चौक में मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का हम लोग पुतला दहन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों ने पुतला दहन किया और साफ संदेश देने का प्रयास किया कि इस तरह की घटनाएं एकदम रुक जानी चाहिए, नहीं तो देश में इस तरह के घटनाएं और बढ़ेगी और यहाँ का देश में और इससे गृह युद्ध जैसे माहौल पैदा होने के चांस है। इसीलिए हम लोग इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री से भी हम लोग अगर इस तरह की घटना का विराम नहीं लग सका लगा